गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत खेड़ा महमूद में बीती रात्रि को रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की समस्याओं को लेकर परिवादी पहुंचे थे। खेड़ा महमूद विद्यालय परिसर में तहसीलदार रमेश खटाना की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ था, जिसमें खेड़ा महमूद ग्राम पंचायत के लोग पहुंचे और उन्होंने अपनी परिवेदनाएं दी, जिसमें उनकी प्रमुख शिकायत थी कि मुख्यालय हेडक्वार्टर खेड़ा महमूद लगता है, जिसमें एक भी राशन डीलर नहीं है। तीन राशन डीलर हैं जो कि खेड़ली बहादुर गांव में ही मौजूद हैं। वहीं राशन वितरित करते हैं, जिनमें से दुकान संख्या 25142 पर तो मई माह में 621.900 केजी शो कर रहा है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि बिना राशन के लोगों के अंगूठे लगवाए गए हैं और खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों का हक मारा गया है। हैरत की बात तो ये रही कि रात्रि चौपाल के दौरान ब्लॉक रसद अधिकारी इस चौपाल में मौजूद नहीं थे, जिससे रसद विभाग की इन रात्रि चौपाल को लेकर गंभीरता साफ नजर आ रही थी और लापरवाही लोगों के सामने खुलकर सामने आ रही थी। हमारी ये सर जो हमारे राशन डीलर है खेड़ा में पंचायत के तीनों खेड़ी बहादुर गए, राशन लेने ये बुजुर्ग महिला जाती है, आज नहीं है कल है, कल बेचारी पैदल आ जाती है। उसके बाद इन्होंने क्या है कि पिछले जो महीने थे एक एक महीने का राशन दिया, दो दो महीने का देना था इनको, एक एक महीने का लेकर अंगूठा लगवाया, कह रहे KYC कर रहे हैं, KYC के नाम पर अंगूठा लगा दिया फर्जी। अब जहाँ अनाज लेने गए तो वो कह रहे हैं कि आपका एक महीने का अनाज है, पिछले महीने का हमने कहा अनाज कह पिछले महीने का तो आपने खत्म हो गया आपका ले लिया, ये मना कर देते हैं। और 25 किलो जैसे पांच आदमी का 25 किलो अनाज है उसको ला के तोलो 23 किलो बैठता है, तोल में भी बहुत कम देते हैं, हर उसमें 2 किलो कम देते हैं ये। नाम के बच्चे हैं वो भी अकड़ जाते हैं, उनके नहीं है तो नहीं है हमारे पास, जाओ बात ही नहीं करते किसी से। पिछले महीने के कम से कम एक आध 50 आदमी जिनके अनाज ये खा गए, KYC के नाम पे अंगूठा लगवा दी सबसे, उसके बाद में किसी को भी नहीं दिया।